करने वाला है। आगे बढ़ेंगे, मुरादाबाद समाजवादी पार्टी से मुरादाबाद देहात के मौजूदा विधायक हाजी इकराम कुरैशी के हजारों समर्थकों ने टिकट वापसी को लेकर प्रदर्शन किया है और समाजवादी पार्टी से मांग की है कि विधायक हाजी इकराम कुरैशी के नाम पर पुनर्विचार कर उन्हें टिकट दे। समर्थकों का कहना है कि हाजी इकार कुरैशी 28 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं और आज तक समाजवादी पार्टी छोड़कर अन्य किसी भी पार्टी में नहीं गए हैं। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी कुरैशी को टिकट देने की मांग की है। समर्थकों की भारी भीड़ हाजी इकराम कुरैशी को टिकट देने की मांग कर रही है, जिसके चलते भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो संवाददाता शाहनवाज खान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। शाहनवाज, हाजी इकराम कुरैशी जिनका टिकट कट गया है और हालांकि उनके समर्थकों की बात करें तो उनका लगातार कहना है कि एक तो वो पार्टी के प्रति काफी ईमानदार रहे हैं, लॉयल रहे हैं, काफी समय से वो पार्टी में रहे हैं, कभी पार्टी छोड़कर इधर उधर नहीं गए हैं, उनको टिकट दे दिया जाए, क्या कुछ चल रहा है? जी मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर पार्टी को टिकट दे देना चाहिए, क्योंकि हमेशा से ही वो पार्टी के अपने पार्टी के रहे हैं और पार्टी के साथ ईमानदारी से उन्होंने काम किया है। 28 साल से वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, फिलहाल भी जीते हुए विधायक हैं, लेकिन ऐसा क्यों किया गया ये बात अभी समझ से परे है। कहना यह है कि आला कमान का जो भी आदेश होगा उसका मैं पालन करूंगा, आज भी मैं पालन कर रहा हूँ और आइंदा भी मैं उसका पालन करूंगा। जी कुरैशी की तरफ से कोई बयान आया है क्या इस पूरे मामले को लेकर? कुरैशी जी यही कहते हैं कि भाई मैं जो है आला कमान से जो है वो मुत्तफिक हूँ, सही है उनके वास्ते, उन्हें उन्होंने जो जो उन्हें अच्छा लगा वो उन्होंने किया, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया ये बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आ पाई है। जी उनकी जगह किसे टिकट दिया गया? उनकी जगह हाजी नासिर कुरैशी को टिकट दिया गया, जो इससे पहले बसपा में रह चुके हैं और कई पार्टियों में रह चुके हैं वो। और पार्टी ने इस पूरे मामले के बढ़ने के बाद क्या किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया दी? फिलहाल अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज तमाम जानकारी।